आज आ रहा है लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का पर। अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है और आपने अपने साथी से कुछ शिकायतें सुनी हैं, तो मौका है कि आप अपने साथी की प्यार की जुबान सीख सकते हैं सिर्फ इस बात पर ध्यान देकर कि वो किस बात की शिकायत करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुश आमदीद, मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए शुक्रिया। इस हफ्ते हमें ये सीख रहे हैं कि अपने प्यार को दूसरों पर कैसे जाहिर करें ताकि वो उसे आसानी से अपना लें। और हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर गैरी चैपमैन हैं, जो द फाइव लव लैंग्वेजेस के मुसन्निफ हैं। यहाँ आने का शुक्रिया। कल आपके साथ हमने कुछ बातें की थी और हमें शुक्रिया जॉयस, यहाँ के मुझे भी खुशी हुई। शुक्रिया। मुझे अब पता चला है कि कल हमारा ये प्रोग्राम सब लोग नहीं देख पाए, तो हमें थोड़ा सा फिर से ये बताएं कि आपने प्यार की जुबानों की खोज कैसे की। मैं शादीशुदा लोगों को सलाह मशवरा देता हूँ, उन्हें सही राह दिखाता हूँ। इसी दौरान मैंने इस जुबानों की खोज की। मैं जल्द ही समझ गया कि कोई एक बात जिससे एक शख्स को लगे कि उसे प्यार किया जाता है, दूसरे को नहीं लगता कि उसे प्यार दिया जा रहा है। इस तरह लगभग 12 साल की जद्दोजहद के बाद मैंने ये खोज निकाला कि बुनियादी तौर पर यहाँ पर 5 प्यार की जबानें होती हैं। ये जबान है मजबूत लफ्ज़, किसी शख्स की तारीफ करना, अपना वक्त निकालना, उसे पूरा ध्यान देना, तोहफे देना, छोटे छोटे कामों में मदद, उनके लिए कुछ करना और जिस्मानी लम्स। इन 5ों में से हर एक की अपनी एक ख़ास ज़ुबान होती है, और अगर आप उनकी वो ख़ास ज़ुबानें नहीं बोलेंगे तो वो ये समझेंगे कि आप उनसे प्यार नहीं करते, चाहे भले ही आप प्यार की कोई और ज़बान बोल रहे हो। इसीलिए शादीशुदा लोगों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो सही ढंग से प्यार कर सके। और हम उन्हें सिखाते हैं कि एक दूसरे से किस तरह से एक दूसरे की जबान बोलें जो दूसरा बोलता है। मेरे ख्याल से ये वैसा ही होगा जैसे आपकी शादी एक चीनी शख्स से हो जाती है और आपको सिर्फ अंग्रेजी बोलनी आती है। तो इतने सालों से आप एक ऐसे शख्स से रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करते हैं जिससे आप कुछ बात नहीं कर पाते। मैं वाकई आपकी इस बात से बहुत मुतासर हूं कि जब आपने बताया कि जिन लोगों के बारे में आप कहते हैं वो तलाक लेते हैं, वो जो हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, इसीलिए उनके उनके जो ज़िंदगी में है ऐसा मकाम आ जाता है, तो उनकी ज़रूरतें क्या है? मेरे ख्याल में जॉयस, हमारे मुल्क में तलाक की ये एक बहुत ख़ास वजह भी है। लोगों को लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता। शुरू शुरू में एक दूसरे के साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है, फिर एक एक करके उनके बीच इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि अब वो जब जब उन इख्तलाफात को लेकर बहस करने लगते हैं, और फिर उनको लगने लगता है कि उनका साथी उनसे प्यार नहीं करता, वो एक दूसरे से सही जुबान नहीं बोलते हैं, और प्यार का सैलाब ख़त्म हो जाता है। और फिर वो सोचते हैं कि शायद मैंने गलती कर ली, मैंने गई गलत शादी कर ली, अब मुझे किसी और से शादी करना चाहिए। और जब वो तलाक ले लेते हैं और फिर शादी करते हैं और फिर वही बात फिर से शुरू हो जाती है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जब आप प्यार की ऊँची उड़ान से नीचे उतर जाते हैं, सबके साथ होता है, आप अपने साथी की ज़ुबान बोलना सीख सकते हैं। और जब आप ये करते हैं तो आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में एक जज्बाती लौ जलाते हैं, और तब आप इख्तलाफात को समझकर उसको दूर कर सकते हैं, और आप अपनी लड़ाई झगड़े को एक अच्छे तौर से सुलझा सकते हैं, क्योंकि आप अपने प्यार में महफूज हैं। सही कहा। हमने इस बारे में कल थोड़ी सी बातचीत की थी, पर मुझे यकीन है कि कई लोगों के लिए ये प्रोग्राम बहुत कुछ सबक देने वाला है। और आप सब जो हैं वो सोच रहे हैं कि मेरे दोस्त की या मेरे शौहर की, बीवी की, या मेरे बच्चों की, या मेरे वालदेन की प्यार की जबान क्या है, तो अब आप किस तरह ये पता लगा सकते हैं कि किसी और की प्यार की जबान कौन सी है, खास तौर से जब तक उनको ये बताना ना आए? जी, मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका है आप उनकी शिकायतों को सुने। अगर आपकी शादी को हुए कुछ वक्त हुआ है और आपने अपने साथी से कुछ सुना है, ज्यादातर हमें शिकायतें पसंद नहीं आती हैं, हम तुरंत अपनी सफाई देने लगते हैं। अगर हमारा साथी किसी चीज़ को लेकर हमसे शिकायत करता है, तो ये सही मानों में वो आपको कुछ ज़रूरी काम की जानकारी दे रहा है। ये शिकायतें उनके दिल से छुपी हुई दर्द की एक बात होती है। तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए। सफ़र से लौटने पर आपसे ये कहा जाता है कि उन्हें तोहफे पसंद हैं, आप उन्हें तोहफे देकर अपना प्यार जता सकते हैं। अगर आपका साथी कहे हम दोनों अंधेरे में चलते हुए पानी के जहाज़ हैं, एक दूसरे के लिए वक्त नहीं, इससे वो बता रहे हैं अच्छा वक्त उनकी ज़बान है, और आपके वक्त की मांग ही आपके प्यार की जुबान है। या अगर आपका साथी कहता है मैं कभी भी कुछ भी सही करता हूँ, तो उनका मतलब है कि तारीफ के अल्फाज ही उनकी प्यार की जुबान है। या वो कहे कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पहल करके मुझे ना छूते, अगर मैं ना छूता, तो इसका मतलब कि जिस्मानी लम्स उनकी प्यार की जुबान है।
तो हम जो हैं शिकायत सुनना नहीं पसंद करते, लेकिन हकीकत में ये शिकायतें हम पर जाहिर करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसी तरह हमें उस रुकावट के ऊपर हावी हो जाना चाहिए। शिकायतों से आप क्या सीख सकते हैं? इस तरह से आप अपने साथी के प्यार की जुबान सीख सकते हैं अगर आप उनकी शिकायतों पर ध्यान दें। हम कुछ वक्त के लिए वक्त की अहमियत पर ध्यान देते हैं। मैं सोचती हूँ कि हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो आजकल के ज़माने में शायद ही किसी ऐसे शख्स को जानती हूँ जो मसरूफ नहीं है। मेरे ख्याल से अगर हमें अपना रिश्ता जो है वो सुधारना है, लोगों को वक्त देना है, तो हमें एक फैसला करना होगा कि हमें सिर्फ वो नहीं करना है जो पूरी दुनिया करती है, बल्कि हमें अपनी रफ्तार धीमी करनी होगी। तो वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम लोगों से बात करके उनको ये एहसास दिलाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ खास मकाम नहीं है? मेरे ख्याल से एक बात तो ये है कि हम सवाल तो पूछते हैं मगर जवाब की तरफ ध्यान नहीं देते। हम पूछते हैं कि आपका दिन कैसा था, लेकिन फिर उनकी बात नहीं सुनते। वैसे हम वाकई कोई फिक्र नहीं करते हैं। ये सिर्फ रस्म है। मैं सोचता हूँ कि अपना कीमती वक्त किसी को देना मतलब है कि उस शख्स को अपना पूरा ध्यान देना। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पूरे एक घंटा दें, आप 5 मिनट भी दे सकते हैं, मगर इसका मतलब है इस वक्त में मैं पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। तुम्हारे अलावा और कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती, चाहे फिर वो 30 मिनट हो या 5 मिनट या 1 घंटा हो, आपका पूरा ध्यान उसी शख्स पर है। आप उनकी बातें सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस खुशी और किस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं या उनकी ज़िंदगी में किन मुसीबतों से भिड़ रहे हैं, और आपने उन्हें पूरा का पूरा ध्यान दे रखा है। पर उस वक्त एक साथ अच्छे से गुजारने के लिए और भी है, जैसे आप कुछ काम एक साथ कर सकते हैं, मतलब आप दोनों कोई काम एक साथ कर रहे हैं, पर इसमें ज़्यादा खास बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये कि आप दोनों साथ कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप दोनों एक साथ अपने बगीचे में 1 घंटे तक या पूरे घंटे काम करें, आप दोनों ये काम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप खड़े होकर अपने ज़रिए किए गए काम की ओर देखिए, हमने ये एक साथ किया है, हम एक टीम है, हम साथ साथ काम करते हैं, हमने इसका बहुत लुत्फ़ उठाया है साथ होना। तो चाहे वो कोई काम हो या कोई बातचीत हो या कोई ख़ास ऐसी बात हो, वो ये है कि हम एक दूसरे पर पूरा ध्यान दे रहे हैं उस शख्स के लिए जिसकी प्यार की जुबान वक्त है। यानी वक्त देना, उससे ज्यादा और कोई चीज नहीं जरूरी है जितना कि आप उसे वक्त दें। मुझे पता है इतने सालों में खुदा ने मुझे कई बातें सिखाई हैं जो मुझ में गलत थी और जो मुझे सही करनी थी। अगर मुझे अपने रिश्तों में सुधार लाना था, और मैं जानती हूँ कि मुझे बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, पर मैं बहुत बहुत अच्छी सुनने वाली नहीं हूँ, तो मुझे सही में सुनने का हुनर सीखना पड़ा। अगर कोई शख्स कुछ कह रहा हो और मुझे वो बात सुनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं, तो मुझे उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ये उसको अच्छा लग रहा है। हमारी एक आदत होती है, खास किस्म के लोग या टाइप ए के शख्सियत वाले लोग या कोई जो शख्स सिर्फ मतलबी हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हम सिर्फ उसी में दिलचस्पी लेते हैं जिसमें हमें खुशी होती है, और हमें उस बात के बारे में बोलते हुए खुशी होती है, और हमें उस बात के बारे में खुशी होती है जिसमें हमारी दिलचस्पी है। मेरी सबसे छोटी बेटी जो है वो मेरे साथ मिनिस्ट्री में 11 साल से काम कर रही थी, और फिर उसको जुड़वा बच्चे हुए। उसको एक समय में एक बच्चा नहीं हुआ, 2 हुए, फिर वो अपनी नौकरी को जारी नहीं रख पाई, उसने पार्ट टाइम किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मैं उससे मिनिस्ट्री के बारे में बातें करती रही, हम दोनों मिलते और मिनिस्ट्री के बारे में बातें करते, क्योंकि इतने लंबे वक्फे से हम उसी के बारे में बात करते थे। इसमें हम दोनों की दिलचस्पी थी, क्योंकि हम दोनों ही इस मिनिस्ट्री के काम में शामिल थे। अगर अब भी वो मिनिस्ट्री में होती तो उसको दिलचस्पी होती, लेकिन अब वो उसमें शामिल नहीं थी, और वो चाहती थी कि मैं उससे उसके बच्चों के बारे में बात करूं, नई डिशेस के बारे में बात करूं, उसके कसरत के प्रोग्राम के बारे में पूछूं, लेकिन मैं ये सब नहीं करती थी, और मुझे ये सब जो है वो करना सीखना पड़ा, क्योंकि ये सब मेरी दिलचस्पी की चीज़ें नहीं थी। पर मुझे मेरी बेटी प्यारी थी और मुझे उससे एक अच्छा रिश्ता बनाना था, रखना था, तो इसके लिए मुझे ये सब सीखना पड़ा कि किस तरह मुझे अपनी दिलचस्पी की बातों से दूर रहकर उस चीज़ के बारे में बात करनी है जिसमें मेरी बेटी की दिलचस्पी है। इसके बाद मैंने ये देखा कि वो मेरे किसी भी जलसे से खुश होती, उसके बारे में पूछती, बताइए आपने इस हफ्ते में क्या क्या कहा है और सब कैसा था। जब प्यार में आपसे लेन देन होता है और वही मुनासिब है, जब मैं आपकी जुबान बोलता हूँ और आप मेरी जुबान बोलते हैं, तो हम दोनों ही एक दूसरे का प्यार पाते हैं। पर तुम एकदम सही हो, मैं इस बार सोचता हूँ कि अगर ये हमारी जुबान नहीं है, अगर ये अच्छा वक्त गुजारना हमारी जुबान नहीं है, तो हमें इसे सीखना काफी मुश्किल हो जाता है। पर अच्छी खबर यह है कि वो सीख सकते हैं जब आप उसकी अहमियत समझने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये शख्स ये समझ ले कि मैं इससे प्यार करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ
کہ میں حقیقت میں ان کی بہت بہت فکر کرتا ہوں، تو اسی لیے میں وقت نکال کر ان کی باتیں سننے کو تیار ہوں۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کے کوئی مطلب نہیں رہتے کہ آپ کی اس بات میں دلچسپی ہے یا نہیں، پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں یا نہیں، اور جب انہیں لگتا ہے کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں آپ دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بتا سکتے ہیں آپ ان کو دھیان سے نہیں سن رہے ہیں یا آپ ان سے دور جانا چاہتے ہیں، ان سے کترانا چاہتے ہیں؟ ہم جلد اس موضوع پر بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور جب ہم لوٹیں گے تو ڈاکٹر چیپمین ہمیں بتائیں گے کامیاب شادی اور پیار میں ڈوبنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنے جذبات بتانے میں ہمیشہ کامیاب رہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا چل رہا ہے سب کچھ جہاں تک میرا سوال ہے؟ ڈاکٹر چیپمین، ایک کامیاب شادی کیوں زیادہ اہمیت اور زیادہ وقت تک چلنے والی مانی جاتی ہے بجائے صرف پیار میں ڈوبنے کے؟ میرے خیال میں جوائس پیار میں پڑنا وقتی ہے، مگر ایک کامیاب شادی ہمیشہ کے لیے ہے، اور پیار میں پڑنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا اور محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جب آپ پیار میں ڈوبے ہوتے ہیں تو کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتی ہے، آپ جو بھی کرتے ہیں اپنے آپ ہوتا چلتا ہے، پر ایک کامیاب شادی کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے پیار میں کھونا، یہ بھی بتاتا ہے جیسا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ کچھ ایسا ہے جو اپنے آپ ہو جاتا ہے، اور یہ سچ ہے۔ پر آپ ایک کامیاب شادی ڈوبتے ہوتے کامیاب شادی نہیں ہوتی، آپ کو ایک اچھی شادی شدہ زندگی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ایک دوشیزہ یاد آ گئی جس کو پیار ہو گیا تھا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہے؟ میں نے کہا میں شادی کے سیمینارز میں پورے ملک میں رہنمائی کرتا ہوں۔ اس نے کہا شادی کامیاب بنانے کے لیے لوگوں کو کوشش کیوں کرنا پڑتی ہے؟ مجھے پتا تھا وہ پیار میں ڈوبی تھی۔ جب آپ کو پیار ہوتا ہے تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، پر شادی کے بعد آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، آپ کو اونچائی سے اترنا پڑتا ہے اور کسی شخص کے ساتھ ایک رشتہ بنانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اس ہفتے جو بات کر رہے ہیں ہم، وہ اتنی اہم ہے کہ پیار میں ڈوبنے اور پیار میں چلنے کے بیچ کیا فرق ہوتا ہے، اور یہ سمجھنا کہ پیار کیسے ظاہر کریں۔ دیو اور میری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں، اور یہ ایک اچھا خاصا لمبا وقت ہے کہ ایک شخص کے ساتھ اپنی شادی کو قائم رکھنا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہ شادی کامیاب بنانے کے لیے اس پر خاصا کام کرنا پڑا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے ہو جاتا ہے، پر اگر آپ اپنا حوصلہ نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بائبل میں جو کہا گیا ہے، میں اسے سوچ کر تعجب میں پڑ جاتی ہوں، کہ ایک آدمی اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے چپکا رہے گا اور وہ دونوں دو جسم ایک جان بن جائیں گے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ ایک بن جانے والا جو حصہ ہے، یہ جو ہے، یہ وقت جو ہے سب سے زیادہ سخت ہے، اور جو لفظ حقیقت ہے وہ واقعی حقیقت میں بدلنے میں کافی وقت لگا سکتا ہے۔ دراصل جب ڈیو اور میری شادی ہوئی تھی تو میں ایک بہت ہی لڑائی جھگڑے والی ماحول سے آئی تھی اور بہت ہی برے رشتوں سے گزر چکی تھی، اور ڈاکٹر چیپمین، اگر میں سچ کہوں تو مجھے پیار لفظ کا مطلب پتہ نہیں تھا۔ میں صحیح میں سوچتی تھی کہ کیا میں جانتی ہوں پیار کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے مسلس پسند تھے، یا اس کی لمبائی پسند تھی، یا کوئی اور چیز پسند تھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے پیار ہو گیا تھا۔ میں نہیں سمجھتی کہ ہم جانتے ہیں پیار کیا ہوتا ہے۔ جب تک ہم کچھ سال ایک انسان کے ساتھ نہیں گزارتے اور اس کے لیے کچھ اظہار کرنے کی نہیں سوچتے، تو جیسے کہ وہ ہے انہیں اسی طرح قبول نہیں کرتے اور ان کو وہ سب نہیں دیتے جو وہ چاہتے ہیں۔ ہم اسی بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ پیار کی 5 زبانیں سیکھنے کا مطلب صرف ایک رشتے میں بن جانا نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہم اکثر ہی کسی نہ کسی رشتے سے بن جاتے ہیں، اور پھر میں تم سے امید کرتی ہوں کہ مجھے خوش رکھو۔ ہم ایک دیوتا کی طرح رشتوں میں نہیں بنتے ہیں، جو ہے میں تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ پھر خدا میں یقین رکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ جیسا ہم نے بیج بویا ہے وہ ہماری زندگی میں ایک اچھی فصل تیار کر دیں گے، ہم پھر اس میں پیچھے کی اور مڑ کر دیکھنے لگتے ہیں، ویسے تم میرے لیے کیا نہیں کر سکتے اور وہ بھی نہیں کر رہے ہو، یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کئی بار اسی بیچ میں ہم دوسرے شخص کے لیے صحیح میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم وقت دینے کے موضوع میں بات کر رہے ہیں، یہ کتنا ضروری ہے۔ میں سوچتا ہوں جوائس ایک بات، کہ ہمیں وقت بنانا ہوگا۔ میں ایک شوہر سے کچھ وقت پہلے ملا، آپ کو پتا ہے میری زبان اقراریہ زبان ہے، اب یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ میری بیوی کی زبان جو ہے وہ وقت گزارنا، اور اسے سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ مجھے خدا نے ایسا کیوں بنایا اور تمہیں ایسا کیوں بنایا؟ میں اسے چلتے پھرتے پیار کے الفاظ کہنا چاہتا ہوں، سنو تم بہت اچھی لگ رہی ہو، پر مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کر 20 یا 30 منٹ صرف کرنا پڑیں گے۔ اور تو اس بات کو سمجھ گیا ہوں کہ سب سے پہلے پیار میں اظہار کا جذبہ ضروری ہے۔ پیار لفظ کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے خود کی فطرت کے خلاف جا کر اس شخص کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے، اور ان کی زبان ساتھ وقت گزارنا ہے، تو مجھے اپنی روزمرہ کے کام میں کچھ تبدیلی کر کے ان کے لیے
वक्त निकालना पड़ेगा, पर जॉयस मैं लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ, हम सब चीजों का वक्त तो निकाल लेते, नाश्ते के लिए, दोपहर और रात के खाने के लिए, हम तिजारत के लिए निकालते हैं, हम खुदा के लिए वक्त निकालते हैं, हम फुटबॉल के लिए वक्त निकालते हैं, हम उन सब चीजों के लिए वक्त निकाल लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। तो अगर आपकी शादी अहम है तो आपको उसके लिए वक्त निकालना होगा। शहरों ने एक और मुसीबत मेरे सामने जताई, हाँ, पर अगर मैं उससे बात करना शुरू कर दूं तो उसमें पूरी रात निकल जाएगी और पूरी रात इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि चलो रोज एक दूसरे के साथ 20 मिनट बिताया करिए। अगर आप चाहें तो वक्त भी मुकर्रर कर सकते हैं, 20 मिनट तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा, मैं बात करूंगा, रद्द अमल जाहिर करेंगे पूरे मिनट, जब वक्त पूरा हो जाएगा तो हम आगे निकल जाएंगे, पर कल फिर यही 20 मिनट हम साथ गुजारेंगे। अगर बीवी को ये पता रहेगा कि हर दिन उसको 20 मिनट मिलेंगे तो वो 20 मिनट के बाद खुद ही थक जाएगी, वो लगातार 2 या 3 घंटे तक बोलती जाती है इसलिए कि उसका शौहर उसके साथ बैठता है। आपके साथी की जुबान अगर अच्छा वक्त बिताना है तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप बातचीत के लिए कुछ वक्त मुकर्रर कर लें और अपने साथी को अपने उसे अच्छे वक्त से नवाज सकते हैं और उसे मोहब्बत का एहसास होगा। पता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी शादी बहुत कामयाब हुई है, वो किसी भी एक रात को अपने मिलने की बातचीत करने के खास रात बना लेते हैं। कुछ लोगों के लिए यह रात 2 हफ्तों में एक बार आती है और मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनके लिए यह हफ्ते में एक बार होती है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके लिए ऐसा एक महीने में एक ही बार आता है, पर वो बहुत उम्मीद और पूरे दिलो जान से उस मिलने की रात का इंतजार करते हैं। ये एक अच्छा तरीका है एक दूसरे के लिए वक्त निकालने का, कुछ खास करने का, क्योंकि मुझे पता है कि औरतें हमेशा इस उम्मीद में जीती हैं कि शादी के बाद भी उनकी डेटिंग ना रुके, उनसे बातचीत करने के खास लम्हे अब भी पसंद आते हैं। मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाने वाला हूँ, मेरी एक सहेली का शौहर है जिसने अभी हाल ही में एक ऐसा काम किया जो उसकी फितरत के एकदम अलग था। उसने घूमने के लिए पूरा ट्रिप तय कर लिया, बच्चों की देखभाल करने वाले का इंतजाम कर लिया, होटल में बुकिंग करवा ली, सारे इंतजाम खुद कर लिए। मेरा मतलब है कि मेरी सहेली जी एकदम हैरान सी रह गई और उसने मुझे बताया कि पूरे सफर में उन दोनों ने कितने मजे से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा और पूरे ट्रिप में जाते वक्त और वापसी के वक्त दोनों ने खूब बातें की, जो कि अमूमन वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये प्रोग्राम देखने वाले लोगों से सही गुजारिश करती हूँ कि पहले आप पहल करें और दूसरे लोगों को वो सब देने की शुरुआत करें जो आपको ठीक भी नहीं लगता है। किसी शख्स को देखकर ऐसा मत कहो कि देखो तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी, या मैं तुम्हें बीचों बीच में मिलता हूँ। कभी कभी आपको अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी पड़ती है, पूरा रास्ता चलना पड़ता है। हाँ, ऐसा होगा, एक टूटा हुआ रिश्ता रातों रात में नहीं बदल सकता, इसलिए कुछ लोग कहते हैं मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, डॉक्टर चैप्मन आपने कहा कि 20 मिनट दो, लेकिन मैंने उसे 20 मिनट दी लेकिन कुछ नहीं हुआ, और हमने 20 मिनटों में सिर्फ लड़ाई की। जी हाँ, और कभी कभी यही मामला बन जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप 20 साल के दुख और तकलीफ को एक हफ्ते के 20-20 मिनट के हर रोज के क्वालिटी टाइम सेशन से एकदम पलट नहीं सकते, पर मगर ये उनकी प्यार की जबान है और काफी लंबे वक्त तक अगर वो देखेंगे कि आप ईमानदार हैं और आप कोई धासा नहीं कर रहे हैं जो उन पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वाकई उनसे प्यार कर रहे हैं और उनकी प्यार की जबान बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ये सब कोशिशें उनकी समझ में आने लगती हैं, फिर उनके सलूक में कुछ फर्क पड़ने लगता है, कुछ रुकावटें तोड़ती हैं और फिर वक्त आएगा कि वो खुद बढ़कर आपके करीब आएंगे। और आखिरकार यही तो आप करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना, अगर इस रिश्ते में एक अरसे से दरार रही है। आप जानते हैं कि यकीन टूट चुका है, उस टूटे हुए यकीन को फिर से बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं सोचती हूँ ये मुद्दा आज हमारे प्रोग्राम देखने वालों के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं दिल से महसूस करती हूँ कि हम कई बार सिर्फ एक कोशिश कर लेते हैं। मैं लोगों से कहती हूँ तुम जिस उलझन या मुश्किल में पड़े हो वो एक ही रात में पैदा नहीं हुई थी, इसी तरह तुम अगर चाहो भी तो एक ही रात में तुम इसे सुलझा नहीं सकते। मुझे एक औरत की याद आ गई जो एक निसरत में मेरे पास आई, उसने कहा मुझे मेरे पैसे वापस दो। मैंने कहा तुम्हारे पैसे? शायद उसने 1 या 2 बार खैरात में पैसे दिए थे। मैं ये सुनकर अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। उसने कहा मैं 2 हफ्तों से कोशिश कर रही हूँ पर ये सब बेकार है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा सिर्फ 2 हफ्तों से? ऐ खुदा, मैं तो पूरे 30 सालों से इसमें लगी हुई हूँ। कई बार आपको लगता है कि आप बहुत लंबे वक्त से कुछ सही काम कर रहे हैं और अब आपको उसके नतीजे नहीं मिल रहे हैं। मैं लोगों को यही सिखाने की कोशिश करती हूँ, अच्छा ही अच्छे काम करने से थको नहीं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको इसका नतीजा मिलेगा। पर यही सही वक्त कब आएगा ये खुदा के अलावा और कोई नहीं जानता, और सही में वो हमसे ये करवाना चाहता है कि हम, मुझे लगता है कि अगर हम ईसाई हैं और सच्चे दिल से खुदा के दिखाए रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमें दिल में तब ठान लेना चाहिए कि हमें अच्छाई के रास्ते पर ही चलना है, क्योंकि यही सही है। हाँ, और मैं सोचता हूँ वही
बात है, मैं लोगों से कहता हूँ प्यार की पांच जुबानों का इस्तेमाल करामात के शक्ल में ना करो। ये कोई मजाक नहीं है, कोई करामाती चीज नहीं है। यह आपको जानकारी देता है कि किस तरह आप दूसरे शख्स को सही ढंग से प्यार कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको भी प्यार करे तो आपको भी यही करना पड़ेगा। आप उनके प्यार की जुबान समझकर उसे सीख लें और उसी के मुताबिक उनको दीजिए, और फिर आपको एक गहरी जज्बाती रवाइश का एहसास होगा। आप उनके दिल में अपने लिए एक अच्छा ख्याल पैदा करेंगे, उनके भी सलूक में आपके लिए हमदर्दी पैदा हो जाएगी। अगर आप वही पुरानी सलूक करते रहे तो फिर कोई बदलाव नहीं आएगा आप दोनों के रिश्ते में। बाइबल में कुलौसियों 3:23-24 बताते हैं कि हम जो भी करते हैं वो खुदा के लिए है, किसी शख्स को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए, ये जानते हुए कि हमारा इनाम हमें खुदा से मिलेगा। यहाँ भी मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी पर मुझे इसका नतीजा चाहिए, तुम भी मेरे लिए बदले में कुछ करो। मेरे ख्याल से जितना हम कर रहे हैं उससे और ज्यादा हमें करने की कोशिश करनी चाहिए और एक फैसला ले लेना चाहिए, मैं ये करने जा रहा हूँ क्योंकि बाइबल मुझसे ये करने को कहता है, क्योंकि मेरा ऐसा करना जो है वो खुदा को खुश करेगा और उससे मुझे कुछ हासिल होगा, नतीजा मिलेगा, क्योंकि आपके जल्दी होने से आपको काम छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपका हौसला नहीं टूटेगा। और यही आजकल एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, लोगों को वफादारी, मुस्तकिल मिजाजी, काम करने की लगन और उस काम में लगे रहने की आदत जब तक कि वो पूरा ना हो जाए जी। इन सब बातों के बारे में बहुत कम सिखाया जाता है। मैं आपके पास वापस आती हूँ एक छोटी सी खबर के साथ जो कि प्यार में चलने के बारे में होगी, ठीक इसके बाद। ये बहुत मजेदार होता है कि कुछ अचानक से हो जाए जो अच्छा हो और जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हो, ये अच्छा लगता है। एक बार हम फिर याद करना चाहते हैं कि बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे अहम मकसद क्या होना चाहिए। दरअसल हमारा सबसे पहला मकसद होना चाहिए खुदा से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना और दूसरों से प्यार करना। हमें सही मानों में प्यार में चलना चाहिए। ये करने के लिए हमें किसी तरह की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। इसके लिए आपको दूसरे शख्स में दिलचस्पी लेनी पड़ेगी, शायद उसकी वो बातें सुननी पड़ेंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी, आपकी शायद कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आप पसंद नहीं करते हैं। बाइबल हमको सिखाता है कि प्यार की कई शक्लें होती हैं। प्यार में सब्र होता है, इसमें बर्दाश्त की ताकत होती है, ये नर्म होता है, रहम दिल होता है, इसको जल्दी से कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, इसमें घमंड नहीं होता, ये छुई मुई की तरह नहीं होता, ये अपने आप को नहीं ढूंढता, ये अपना हक नहीं मांगता, ये सबसे अच्छे में यकीन रखता है। तो हम अगर आपको वो सारी चीजें एक तरफ रख दें और उनकी तरफ एक एक करके देखें और बोलें क्या मैं उन लोगों को ये सब दे रहा हूं जिनसे मेरा रिश्ता है, हमें एक बिल्कुल साफ सी तस्वीर मिल जाती है कि हम प्यार में चले हुए कहां तक आ गए हैं। मैं सोचती हूं कि हमें अपना लव वॉक जो है उसके बारे में सोचना चाहिए, और यही नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ प्यार के कुछ लफ्जों से ही काम बन जाएगा, क्योंकि भले ही लफ्ज बहुत अहम होते हैं पर अगर उन लफ्जों का साथ देने के लिए कुछ काम नहीं है तो लोग सोचने लगते हैं कि हम सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। इसलिए आपके लिए हमारे पास आज एक बहुत अच्छा ऑफर है। आपको पता है हम आपको रोज एक लफ्ज देते हैं क्योंकि मैं सोचती हूँ कि खुदा के लफ्ज के बगैर हम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। खुदा का लफ्ज हमारे रास्ते को रोशन करता है, ये हमको दिखाता है कि हमको क्या करना है और किस रास्ते पर चलना है, और इस लफ्ज को सीखने का एक ही तरीका है और वो है इस लफ्ज को पढ़ना। जरूरत है कि आप इसको सुने, आप इसे टीवी प्रोग्राम्स में देखें, डीवीडी में देखें और भी जगह देखें। इसलिए हम एक बेहतरीन ऑफर लाए हैं जिसमें हम एक 6 घंटों का, मतलब 6 हिस्सों का जो सीडी है वो आपको सिखाएगा कि प्यार में कैसे चला जाता है। आप ये मत सोचिए कि आपको आता है बल्कि अपनी प्यार की राह में एक इजाफा कीजिए। फिर हम आपको डॉक्टर चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेजेस का तोहफा भी देना चाहते हैं। डॉक्टर चैपमैन मुझे कल फिर मिलेंगे और हम लोग तफसील से एक और प्यार की जुबान के बारे में चर्चा करेंगे, एक्ट ऑफ सर्विस। यीशु ने कहा था कि जो इंसान सबकी खिदमत करता है वही सबसे बड़ा और अजीम शख्स है। तो आइए सोचते हैं कि हम किस तरह से एक्ट ऑफ सर्विस करते हैं और वो इसे बिल्कुल सही ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका दिन बेहतरीन हो, खुदा आपका भला करे। अगली बार लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का। पर ऐसी दो चीजें हैं, एक तो हमें कोई प्यार करे और दूसरी हम किसी को प्यार करें। हम प्यार पाने पर तवज्जो देते हैं, हम प्यार चाहते हैं, हम उस बात पर तवज्जो देते हैं और ये तलब करते हैं सामने वाला हमसे प्यार करे। पर बाइबल ये जोर देती है जैसा कि आप वाकिफ हैं दूसरों से प्यार करो। अगली बार लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का। पर